Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution Channel. Friends, ये देखिए Excel में हमारे पास ये data मौजूद है, ठीक है? अगर मैं बात करूँ कि अगर आपको average निकालना है, ठीक है? अब ये देखिए यहाँ पे ये quantity है और ये rate लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप average निकालना चाहते हैं इन rates का, तो average का formula होता है equal to का निशान लगाइए, कोई भी formula Excel में equal to के निशान से शुरू होता है. एवरेज लगाया हमने यहाँ पे और ये सारी रेंज को, ये यहाँ पे जो रेंज है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा इसका एवरेज. इंटर जैसे ही प्रेस करूँगा तो एवरेज आ जाएगा. यहाँ पे देखिए एवरेज आ चुका है, ये आप देख सकते हैं 14,593 इसका एवरेज है. लेकिन इसमें अलग अलग आइटम लिखे हुए हैं, देखिए जैसे सैमसंग मोबाइल है, एप्पल का आईफोन है, लावा का है, रेडमी है, माइक्रोमैक्स, मोटरोला, ये तमाम जो है फ़ोन इसमें लिखे हुए हैं. अब कौन सा फ़ोन कितना कितना बिका उसका एवरेज हम कैसे निकालेंगे, ठीक है? जैसे एप्पल आईफोन के बिकने की एवरेज क्या होगी ये हमें पता करना है. यहां पे देखिए मैंने लिख रखा है एप्पल, ठीक है? तो इसके बिकने की एवरेज क्या होगी ये हम कैसे पता कर सकते हैं, इसकी बात करने वाले हैं. तो चलिए एवरेज तो आपको आता ही है पहले से, अब बात कर लेते हैं एवरेज इफ की. तो इक्वल टू का निशान लगाइए और ए बी ई आर ए जी ई लगा दीजिए. आप ये फॉर्मूला यहाँ से भी लगा सकते हैं एफएक्स पे क्लिक करके. यहाँ पे आपको सर्च करना है ए बी ई आर ए जी ई आई एफ, एवरेज इफ सर्च करना है और ये फॉर्मूले में आ जाएगा, यहाँ पे आ चुका है. ओके प्रेस कीजिएगा और सेम यही चीज़ यहाँ से भी हम लगा सकते हैं. मैं यहीं से आपको लगा के दिखाता हूँ, फिर वैसे भी दिखा दूंगा इक्वल टू का निशान लगा करके. तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये रेंज पूछ रहा है, तो रेंज हमारी ये होगी आइटम नेम वाली, ठीक है? न एक भी कम न एक भी ज़्यादा. और आपको कर देना है यहाँ पे फ्रिज. फ्रिज करने का कॉन्सेप्ट होता क्या है, देखिए फ्रिज करेंगे तो फायदा ये होगा कि जब आप नीचे ड्रैग करेंगे तो ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है? अगर आपको बदलना है एक के बाद एक, ठीक है, ड्रैग करते समय अगर आपको जो है हर एक आइटम का अलग अलग हिसाब किताब चाहिए तो आपको फ्रिज करना होगा, नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं. क्राइटेरिया में क्या देंगे हम, क्राइटेरिया में हमें देना है एप्पल आईफोन, क्योंकि हम एप्पल आईफोन को ही पता करना चाहते हैं कि कुल मिला के कितना एवरेज इसका आया है, बिका है, ठीक है? अब आते हैं एवरेज रेंज में. अब हमको एवरेज रेंज में सेलेक्ट करना है एवरेज वाली रेंज, यानी यहाँ से उठा करके यहाँ तक हमको सेलेक्ट कर लेना है और इसको भी कर देना है फ्रिज. तो F4 दबा देने से फ्रिज हो जाता है, फंक्शन की वाला बटन जो है F4 दबाइएगा तो ये फ्रिज हो जाएगा. अब जैसे ही मैं यहाँ ओके प्रेस करूँगा यहाँ एप्पल फ़ोन का एवरेज जो है आ चुका है 15,064.3 इसका एवरेज है. आप देख सकते हैं एवरेज हम कैसे निकालते हैं मैनुअली, मैं अभी आपको निकाल के बताऊंगा. देखिए यहाँ पे एक एप्पल फ़ोन है, एक यहाँ पे है, ठीक है, और एक यहाँ पे है, तीन जगह एप्पल फ़ोन हमें दिख रहा है. नीचे देखते हैं अब नहीं है, सिर्फ तीन जगह है. तो चलिए इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं एक बार. मैं इनको हाईलाइट करता जाऊँगा ताकि आपको ये पता चले कि ये वाला कॉलम जो है हम इसको ऐड कर चुके हैं. तो पहला कॉलम मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, देखिए इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? इसको मैंने पकड़ा, कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो ये वाला कॉलम हाईलाइट हो गया, ठीक है, यानी ये हमने ले लिया वैल्यू. इसके बाद ये वाला कॉलम हम लेते हैं, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, यानी अब इसको कॉपी करना है तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, पेस्ट कर लिया हमने. अब ये वाला कॉलम बचा हुआ है तो ये वाले कॉलम को भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको कॉपी करके और नीचे पेस्ट कर देंगे. चलिए देख लेते हैं, और तो कहीं एप्पल फ़ोन का जिक्र नहीं आया है तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो नहीं है कहीं एप्पल, जहाँ पे भी था मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है. अब इसको हम ऐड करते हैं, इज इक्वल टू सम फॉर्मूला लगा करके हम इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ से इसको ऐड किया हमने, इंटर प्रेस किया तो ये आया 45,193. कितनी संख्या है इनकी, एक दो तीन, यानी तीन. तो अभी हम क्या करेंगे, अब देखिए ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको पढ़िएगा आप, ऊपर में ये क्वांटिटी लिखी हुई है, तो कितनी क्वांटिटी है, 6, 8 और 8, यानी 8, 8, 16, 16, 4, 20. इसको हमको डिवाइड करना है 20 से, 45,193 इक्वल टू 45,193 मैंने ले लिया, ठीक है, और इसको 20 से डिवाइड कर दिया, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं ये क्या आ रहा है, ठीक है? अब चूंकि तीन बार ये हुआ है, तीन बार, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे लिखूंगा 45,193. देखिए यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ,
43,193 और इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा। यहाँ इक्वल टू का निशान बनाएंगे, बिना इक्वल टू के तो फॉर्मूला शुरू होगा नहीं। तो यहाँ देखिए जो वैल्यू यहाँ पे आई हुई है सेम यही वैल्यू यहाँ पर आ रही है, आप देख सकते हैं इसको। मैं इसको भी एक अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े ठीक से। ये देखिए यहाँ पर जो है, जो आईफोन का एवरेज इफ से हमने निकाला है वही हमने निकाला है औसत यानी एवरेज करके। तो सिर्फ और सिर्फ किसका एवरेज निकला है, एप्पल के आईफोन का। ये काम हम इक्वल टू का फॉर्मूला लगा करके भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इक्वल टू का फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ। इक्वल टू एवरेज इफ, एवरेज इफ करेंगे ठीक है, ये हो गया एवरेज इफ। अब हमें क्या करना है, एवरेज इफ के बाद हमें ये रेंज सेलेक्ट करनी है। तो यहां से यहां तक हम ये रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं ठीक है। F4 दबा के इसको फिक्स करेंगे, कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद यहाँ पे क्राइटेरिया देना है। तो क्राइटेरिया है हमारा एप्पल का आईफोन, तो यहाँ एप्पल आईफोन को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा देंगे और अब हमें सेलेक्ट करना है जो इसकी वैल्यू लिखी हुई है, जो कीमत लिखी हुई है उसको सेलेक्ट करना है। तो ये भी हमने कर लिया सेलेक्ट ठीक है। और इसको कर दीजिए फ्रिज और बंद करिए और एंटर प्रेस करिए। तो ये देखिए यही चीज जो ये वाली आई है वैल्यू, वो यहाँ से भी आ गई। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ कुछ कमेंट भी करें ताकि मुझे ये पता लगे कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। तो आई होप कि एवरेज इफ का ये फॉर्मूला आपको ज़रूर समझ आया होगा और इसको शेयर भी कीजिए ताकि ये जो वीडियो है फ्री में लोगों तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।